तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले एक सवाल को ये कहता है कि अगर एक बॉडी है और वो बॉडी है जिसका मास m है और ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है, और एक यहाँ से अप्लाइड फोर्स, अगर मैं अप्लाइड फोर्स यहाँ से लगा रहा हूँ तो इस पे नेट फोर्स, अप्लाइड फोर्स ऑन द सरफेस, फोर्स बाय द सरफेस ऑन ए, तो ये जो ब्लॉक ये है, इस ब्लॉक पे कुल कितना फोर्स लगा रहा है जो सरफेस है? सरफेस मतलब वो है जो टेबल रखा हुआ है, ये जो टेबल है, ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड, ये कुल कितना फोर्स लगा रहा है इस पे, ठीक है ना, ब्लॉक पे, ये हमें निकालना। बात समझ में आया करना क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं ग्राउंड का फोर्स देखूँ तो ग्राउंड इस पे सबसे पहले अगर मास है इसके पास तो नॉर्मल तो वर्टिकली अपवार्ड लगा ही देगा ग्राउंड, ठीक है ना, तो नॉर्मल तो अपवार्ड लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ, तो उसको मैं नॉर्मल को भाई एम से डिनोट कर देता हूँ, दिस इज द अप्लाइड बाई द ग्राउंड, ठीक है ना, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना। और अर्थ जो लगाएगी वो एम जी इधर लगाएगी, तो नॉर्मल की वैल्यू तो एम जी के बराबर हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा। और ये जो अप्लाइड फोर्स एफ वन जो बाहर से फोर्स लगा रहे हो, अगर एफ वन की वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, तो इसके रफ सरफेस है तो इधर जो फ्रिक्शन आएगा, समझ रहे हो ना, इधर जो फ्रिक्शन आएगा बच्चों, ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना, जब अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, और फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होगी जब अप्लाइड फोर्स क्या है, हम सबको पता है जीरो है, फिर फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ के क्या होगी, स्टेटिक होगी, ठीक है ना, स्टेटिक रहेगी कुछ दिन तक मान लो उसकी, ठीक है, फिर और ज़्यादा बढ़ेगी और ये लिमिटिंग तक जाएगी, उसके बाद ब्लॉक चलने लगेगा और काइनेटिक लगने लगेगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू ऐसे चेंज होगी इस सरफेस पे जैसे जैसे एफ वन की वैल्यू इंक्रीज करोगे। बात समझ में आ गया? तो अब देखो यहाँ पर जो ग्राउंड फोर्स लगा रहा है वो फ्रिक्शन, चलो मान लेते हैं यहाँ पर लिमिटिंग लग रहा है, ठीक है ना, लिमिटिंग, लिमिटिंग की वैल्यू कितना है, म्यू एन है, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, वो रिजल्टेंट एफ ऐसे जा रहा है, और इसी की हमें ऊपर से वैल्यू, यहाँ से चार ऑप्शन निकालना है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखो जो मिनिमम फोर्स है यहाँ पे, जो ग्राउंड मिनिमम फोर्स लगाएगा जब ये सरफेस स्मूथ रहेगा, तो जो एफ है वो मिनिमम होगा जब म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो म्यू की वैल्यू जीरो होगी तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर नेट कॉन्टैक्ट, अगर म्यू ही जीरो है, स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन जीरो लग गया, नॉर्मल इक्वल टू एम जी के बराबर आ गया, तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है जो ग्राउंड लगाएगा वो एम जी है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड या तो मिनिमम एम जी तो लगाएगा ही। अब अगर फ्रिक्शन यहाँ स्टेटिक लग रहा है, स्टेटिक लग रहा है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 न्यूटन लगाया, ठीक है, और ये फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन लगने लगा, स्टेटिक लग रहा है, तो अब 2 न्यूटन से यहाँ पे मैंने 3 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी यहाँ पे 3 न्यूटन लगेगा स्टेटिक, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, जो एफ की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, वो होगी फ्रिक्शन मैक्सिमम स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रहा है तो एफ की वैल्यू बढ़ेगी यार, कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड बढ़ेगा, और ये मैक्सिमम होगा जब स्टेट लिमिटिंग होगी, तो म्यू एन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब एन बाहर आ गया तो म्यू स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट, और यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी एम जी और म्यू स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट, कुल मिला के ये मैक्सिमम फोर्स इतना ग्राउंड लगा सकता है, मिनिमम इतना लगा सकता है, तो मतलब कुल मिला के अगर रेंज ऑफ फोर्स देखोगे तो फोर्स शुड बी लेस देन या इक्वल टू, मतलब मिनिमम से अधिक लगेगा या बराबर लगेगा, या मैक्सिमम से बराबर या कम लगेगा, बराबर कब होगा, एफ मैक्सिमम जब लिमिटिंग लगेगी, ठीक है, और उस वक्त एफ मैक्सिमम लगेगा यहाँ से इक्विलेटिवली, तो यहाँ से जो मिनिमम फोर्स है नॉर्मल एम जी, और ये ग्राउंड नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, और यहाँ से एम जी, और यहाँ से 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर और अंडर रूट, दिस इज द रेंज ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाई द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक, ध्यान रखना ग्राउंड लगा रहा ब्लॉक पे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम देखोगे तो सी ऑप्शन इसमें से सही बैठ जाता है, ठीक है ना, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।